दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जब मैंने ये न्यूज पढ़ी थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बॉम्बे एयरपोर्ट पे इसलिए दम तोड़ गए क्योंकि उनको व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई और 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अतिथि देवो भव की हम बात करते हैं, क्या यह सिर्फ कागजों में है या सिर्फ स्लोगन है? कहां है ट्रेनिंग, कहां है वो सेंसिटिविटी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करना है इस बात को सही करके बताए। दुख इस बात का है दोस्तों कि जहां पे ये मौत हुई और जिस एयरलाइन से वो आए थे, दोनों भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने, एक टाटा ग्रुप और दूसरा अडानी ग्रुप, ये दोनों लोग मिलके अरबों रुपए सीएसआर के नाम पे खर्चते हैं, लेकिन कुछ हजार रुपए की व्हील चेयर लाके एयरपोर्ट पे नहीं रख सकते। बहाना यह है कि साहब व्हील चेयर नहीं थी। मैं अडानी एयर, आप में से एक ने मेरे को भेजा लिंक कि अडानी एयरपोर्ट में क्या सुविधाएं हैं और मैं वो पढ़ रहा था, आप भी जाके पढ़ सकते हैं adani1.com। उस पे ये लिखा हुआ है कि क्या आप व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कहा नहीं। क्या आप कोई और ट्रांसपोर्ट सुविधा देते हैं पब्लिक को, नहीं। अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति एयरलाइंस में अगर ये कहता है कि मान लीजिए कि मुझे व्हील चेयर चाहिए और व्हील चेयर एयरलाइंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, या फॉर व्हाटएवर रीजंस, वही इनका बहाना ये था कि साहब व्हील चेयर कम पड़ गई थी, तो पिछले सालों में आज तक उनको ये नहीं पता ऑन एन एवरेज कितने पैसेंजर रोज आते हैं जिसमें व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। क्या उन पैसेंजर्स का एनालिसिस करके हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें? टाटा ग्रुप सबसे बड़ी आईटी कंपनी चलाती है हिंदुस्तान, क्या टाटा ग्रुप को यह समझ में नहीं आया कि डेटा एनालिटिक्स करके ये बता सके कि एयरपोर्ट में कौन कौन सी सुविधाएं किन किन लोगों को चाहिए? क्या आज तक टाटा ग्रुप ने यह कोई एनालिसिस किया है कि टोटल व्हील चेयर कितनी चाहिए उनको पर डे पर फ्लाइट, और अगर उसमें 10% एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए रख दी जाए और उनको ढंग से प्रॉपरली पार्क कर दिया जाता तो ये मौत नहीं होती। दोस्तों मैं बार बार इसलिए इस बात को उठा रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा सेंसिटिव है। अगर मान लीजिए वो बुजुर्ग आपके और हमारे कोई जानकार होते, रिश्तेदार होते, क्या हमें दर्द नहीं होता कि हमारे बुजुर्ग की इसलिए मौत हो गई क्योंकि एयरलाइंस जिसने पूरी टिकट ली और 5-स्टार एयरपोर्ट पे उतारा, अतिथि देवो भव का नारा दे के वो हमें हिंदुस्तान में लाते हैं और हमारे साथ ये सलूक किया जाता है? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता दोस्तों, इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, इस पे सिर्फ कार्रवाई ही हो सकती है। हाँ, खानापुरी के लिए कंपनियां जस्टिफाई करेंगी कि किसकी गलती थी, क्या था, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हिंदुस्तान में कि जब तक चीजें अच्छी चलती हैं आपको 500 मैनेजर मिल जाएंगे जो क्रेडिट लेंगे कि मैंने किया। हर आदमी को शाबाशी चाहिए, हर आदमी को क्रेडिट चाहिए, लेकिन जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो एक दूसरे पे टालने की कोशिश करती हैं, एक महान जिम्मेवारी से भागने की कोशिश की जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट इस तरह की बहानेबाजी को एक्सेप्ट भी कर लेता है और यही कारण है कि हमारी संस्थाओं में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में इनकॉम्पिटेंसी और कॉम्प्लिसेंसी बढ़ती जा रही है। हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रहे, इसी मानसिकता के कारण कि चलता है, जो होगा देखा जाएगा। हम प्लानिंग नहीं कर सकते, हम आईटी की बात करते हैं, हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, हम बड़े बड़े सेमिनार, हजारों कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन जहां काम करना होता है वहां हमारी परफॉर्मेंस जो है वो फेल हो जाती है। क्या ऐसे हम विकसित देश बनेंगे? क्या ये मानसिकता हमें दुनिया में चाइना और अमेरिका से या जापान से या जर्मनी से कॉम्पीट करने में सहायक होगी? समस्या मानसिकता की है। हिंदुस्तान में कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, शायद दुनिया का सबसे रिसोर्सफुल कंट्री होगा हमारा देश, लेकिन हमारी मानसिकता ने हमारे देश को पीछे रखा हुआ है। दोस्तों ये चीज इसलिए जरूरी हो जाती है कि सिर्फ एयरलाइंस या एयरपोर्ट की घटना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में खाने में मिलावट कंपनियां करती हैं, दवाइयों में मिलावट कंपनियां करती हैं, जो क्लेम करती हैं उससे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो देती हैं, चाहे वो टेलीकॉम कंपनीज हो, चाहे कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो, क्लेम दावे बड़े बड़े, लेकिन जब सर्विस नहीं दी जाती
तो कोई ना कोई बहाना कंज्यूमर के आगे सरका दिया जाता है, और जहां पे पकड़े जाते हैं वहां रिश्वत दे के पिंड छुड़ा लिया जाता है। ये मानसिकता क्या हिंदुस्तान को विकसित देश बना पाएगी? मोदी जी अक्सर कहते हैं जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, लेकिन कार्रवाई नहीं दिखती। जो लोग डिफेक्ट करते हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? कारण बहुत सिंपल है, जब तक इंस्पेक्टर राज रहेगा, रिश्वत दे के अगर गुजारा चलता रहेगा तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है, फिर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत क्या है? गुजारा चल रहा है, कस्टमर मजबूर है, क्योंकि जब आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया तो बिल के नीचे ही लिख दिया जाता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, क्योंकि बेचने वाले को खुद पे ही भरोसा नहीं है, मैन्युफैक्चरर को खुद पे ही भरोसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। इसीलिए अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया और वो डिफेक्टिव निकला, खराब निकला, उसको वापस लेने को ना तो मैन्युफैक्चरर तैयार है, ना सेलर तैयार है, ना दुकानदार तैयार है। क्यों? कि जी हमने तो नीचे लिख दिया था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो बना रहा है, जो बेच रहा है, उसको खुद पे ही भरोसा नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, उनको भी पता है कि जो उन्होंने क्लेम किया है और जो वो दे रहे हैं उसमें एक रूपता नहीं है। तो किसी तरह से कस्टमर को चिपकाने की कोशिश की जा रही है कि बस एक बार हाथ में पैसा आ गया फिर तो हम देंगे नहीं, फिर कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट्स के धक्के खाता रहे। कहने का मतलब है कि व्यापार में हम बोलते हैं कि कस्टमर इज किंग, लेकिन किंग को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? उसके अपने सर्विस प्रोवाइडर से। जो कंज्यूमर किंग कहा जाता है उसको घटिया माल कौन देता है? वही लोग जो कस्टमर को किंग बोलते हैं, मतलब राजा को मूर्ख बनाने के लिए, उसको घटिया माल देने के लिए, उसको खराब सर्विस देने के लिए हर आदमी तैयार है, लेकिन सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में कस्टमर इज किंग और लंबे लंबे आर्टिकल, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की किताबें, बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोर्सेज सब हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लेकिन दोस्तों ये आउटपुट इसलिए नहीं आता, क्वालिटी हम इसलिए डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि क्वालिटी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। जब तक क्वालिटी देने की मानसिकता नहीं होगी, अच्छा काम करने की मानसिकता नहीं होगी, तब तक ना लेक्चर काम आएंगे, ना शॉर्ट टर्म कोर्स, ना सॉफ्टवेयर। ये है ट्रेजेडी हिंदुस्तान की, इसीलिए हम लोग स्ट्रगल करते रहे, 75 साल हम आगे नहीं बढ़ पाए। चाइना हमसे आज 4 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि अगर हमें दुनिया में खड़े होना है तो हमें परफॉर्मेंस देनी होगी, चाहे प्रोडक्टिविटी हो, चाहे क्वालिटी हो। आज सारी हिंदुस्तान की कंपनियां चाइनीज माल खरीद के अपना गुजारा कर रही हैं, उस पर प्रॉफिट कमा रही हैं। हम अपना काम नहीं कर पा रहे, ना हम अपनी रिसर्च कर पा रहे, ना क्वालिटी दे पा रहे, ना हम अपने वर्कशॉप्स में या वर्क फ्लोर पे वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे पा रहे। सब कुछ मजबूरी में किया जा रहा है, खाना पूरी करने के नाम पे। क्या ऐसे इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने रिएक्ट किया वीडियो को, वो वास्तव में सराहनीय था। जितना रिएक्शन और जिस तरह से आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ये वास्तव में विचारणीय है। अगर इस वीडियो को कोई, या पिछले वीडियो को अगर कोई सरकारी अधिकारी देख रहे हैं, या भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई देख रहा है, या जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं अगर वो देख रही हैं, तो मेरे वीडियो को नहीं, मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट्स को जरूर पढ़िएगा। लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये बताता है कि हिंदुस्तान क्या सोचता है। हमारे डिसीजन मेकर्स, हमारे कंसर्न एजेंसीज कुर्सियों पे जरूर बैठे हैं, टैक्सपेयर के पैसे पे पूरी शानो शौकत हो रही है, लेकिन उसी टैक्सपेयर को जो आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बदले में क्या दे रहे हैं? क्या ये मानसिकता उचित है? सवाल इस बात का है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि हम अमृत काल में अब प्रवेश कर चुके हैं, हम 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, हमें अपनी मानसिकता को बदलना ही होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता, कोविड से जस्ट पहले मैं जापान गया था, और मैंने वहां पे जापान में उनकी मेट्रो सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने की सोची। मैं मेट्रो स्टेशन गया, जैसे हमारे यहां भी मेट्रो होता है तो जब एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म में तो वहां पे एक गेट होता है,
जब आप कार्ड लगाते हैं या टोकन लगाते हैं तो गेट कुछ सेकंड के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है। जापान में जो वो गेट खुलना और बंद होता है वो जरूरत से ज्यादा, अगर मैं ये कहूं कि अगर 2 सेकंड में या 3 सेकंड में पैसेंजर निकल जाता है तो मेरे ख्याल से 5 या 6 सेकंड तक वो दरवाजा खुला रहता था। मैंने वहां किसी से पूछा कि अगर ये गेट इतनी देर तक खुला रहेगा तो इसमें से तो कोई और पैसेंजर भी निकल जाएगा जिसने टिकट नहीं ली। तो जवाब आपको पता है मुझे क्या मिला? उनका रिएक्शन ये था, कोई क्यों निकलेगा? जब उसने टिकट नहीं ली, टोकन नहीं लिया, तो अंदर क्यों जाएगा? वो पहले टिकट लेगा, टोकन लेगा, फिर अंदर जाएगा। दरवाजा खुला है तो कोई बात नहीं। ये है नेशनल कैरेक्टर, ये है सोच का प्रभाव कि हमें गलत करना ही नहीं, गलत करने का रास्ता दिख रहा है लेकिन हम नहीं करें, क्योंकि यह सोच ही गलत है कि हमें गलत करना नहीं है, राष्ट्रहित में गलत नहीं करना है, यह हमारा कैरेक्टर नहीं है। अगर यही मानसिकता जापान में थी, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद होने के बाद भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति, टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति के रूप में जापान आगे बढ़ा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि क्वालिटी के लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कानून नहीं चाहिए, मानसिकता चाहिए। अगर आप कहीं पे भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या खराब सर्विस देखें तो वहां के ऑपरेटर को या वर्कर को दोष मत दीजिएगा, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ को समझिएगा कि वहां कैसे लोग बैठे हैं जो अपनी कंपनी की खुद की क्वालिटी नहीं मैनेज कर पा रहे। उनकी क्या क्षमता है? क्या वो वास्तव में सीरियस हैं या वो सिर्फ वहां बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं या सिटिंग फी ले रहे हैं? मुद्दा ये है। द क्वालिटी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ मेंटल स्टेट, माइंडसेट, नॉट रिसोर्सेस। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? अपने विचार लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यह गंभीर मुद्दा है, यह राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। अगर हम सब लोग इस मुहिम में शामिल होंगे तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए हमें अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को बदलना होगा। आपका क्या अनुभव है दोस्तों, जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, मुद्दा गंभीर है। आप लोगों के रिएक्शन जैसे भी होंगे मुझे पसंद आते हैं। फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।